गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अभी हम आप लोगों को चैप्टर करवा चुके हैं मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड इनवर्स डिटरमिनेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फिफ्थ चैप्टर, दैट इज क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम उसके पर आपको लेक्चर देंगे। आज का कंसेप्ट है क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज का हमारा कंसेप्ट है क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी का। तो बच्चे इसमें आप लोगों को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग देखना है मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू टू, जहां कह सकते हो एक्स टेंड्स टू ए, जहां कह सकते हो एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका मीनिंग क्या है? तो बेटा इसके लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन है एक्स कभी भी ए नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ये तो जीरो तो होता ही नहीं है, हमेशा जीरो से एक बढ़ा होना चाहिए। जब भी हम कह रहे हैं मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू लें, एक्स माइनस ए भी जीरो से हमेशा बढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब जिसमें कहूँ 0.9 इज अप्रोचेस टू 1, तो पहली बात 0.9 तो 1 के इक्वल नहीं है। दूसरी बात 0.9 में से मैं अगर 1 को निकालता हूँ तो 0 से बनाएगा, कैसे? यह आएगा माइनस 0.1 ग्रेटर 0, तो जैसे जैसे मॉड निकला निकाला तो कितना आएगा 0.1 ग्रेटर 0। ये चीज हमने नोटिस की। तो कहने का मतलब x अप्रोचेस टू a, इफ एंड ओनली x नॉट इक्वल टू a, x माइनस a इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट x अप्रोचेस टू a 0.9 अप्रोचेस टू 1, ठीक। ये पहली बात ये क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। एक्चुअली में देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो लिमिट ऑफ फंक्शन में जैसे मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए आता है, क्या आता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए आता है। इसमें फंक्शन होगा, जब आप इसको अप्रोच कर दोगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा फॉर पी। इसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, क्या कहेंगे? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन है हमारे पर, जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वांटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन, क्वांटिटी फंक्शन करेंगे। फंक्शन इज सेट टू बी, फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस। फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस कहेंगे। कब कहेंगे? जब आप लोगों का इफ एंड ओनली ये कंसेप्ट होगा कि लिमिट आपका, देखिए अगर कोई आपके पास यहाँ पे ए है ना, तो बेटा इसका ये नेगेटिव, ये क्या होगा? नेबरहुड होंगे, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, ये इसके दो क्या होंगे? नेबरहुड होंगे। और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन कंसाइड कर जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो इसमें अगर लेफ्ट हैंड क्वांटिटी, ये लेफ्ट हैंड क्वांटिटी है, और इक्वल्स टू आ जाए राइट हैंड क्वांटिटी के, इसके इक्वल आ जाए राइट हैंड क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, तो तब आप लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू राइट हैंड क्वांटिटी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। अब ये ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव क्या है? दीज आर कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ ए, दीज आर कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ ए। तो फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ दिस हैपन। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसी के ऊपर हम आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज आपकी है 5.1, एक्सरसाइज आपकी 5.1। 5.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फंक्शन दिया गया है 5x-3। तो इसको चेक करनी है इसकी क्वांटिटी एट x = 0, x = -3, x = 5। ये हमारा क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, अगर है तो हाउ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसके पीछे हम चेक करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस कब होता है, ठीक है। तो देखेंगे इस फंक्शन को हम किस तरीके से करेंगे। चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन के ऊपर, हमारे पास जो वैल्यू है x = 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए याद रखना है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्वांटिटी को चेक करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे x की जगह 0 माइनस h, मैं पहले इस पॉइंट को लेने लगा हूँ। हर एक फंक्शन को इस तरीके से करना है, दोनों को, मैं सिर्फ एक के ऊपर आप लोगों को करवाऊंगा, दो आप खुद करिएगा।
जीरो माइनस एच, तो जैसे ही एक्स आप लोगों का जीरो जाएगा एच किसको अप्रोच कर जाएगा जीरो, जब भाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो एच किसको अप्रोच कर जाएगा जीरो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन। तो जब आपने किया लिमिट एक्स अप्रोचेस, अब एच अप्रोचेस टू जीरो चला जाएगा और आपने एक्स की जगह पुट करना है, क्या कर पुट करना है जीरो माइनस एच फंक्शन में, एक्स की जगह जीरो माइनस एच को पुट किया। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ वन पुट करूंगा फाइव इंटू वन माइनस थ्री, टू पुट करूंगा टू, टेन पुट करूंगा टेन आ जाएगा, इलेवन पुट करूंगा इलेवन आ जाएगा, हंड्रेड पुट करूंगा हंड्रेड आ जाएगा, और अगर मैं जीरो माइनस एच को यहाँ पुट करूंगा तो एफ इंटू जीरो माइनस एच आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आएगा फंक्शन फाइव इंटू जीरो माइनस एच माइनस थ्री। तो बच्चे आप यहाँ पे लिमिट क्या आया एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस फाइव एच माइनस थ्री, लिमिट अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई लिमिट, जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई किया हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड क्वांटिटी को देख रहे हैं, इसके नेबरहुड कौन सा नेबरहुड, जीरो का नेगेटिव, जीरो जीरो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्लाई किया तो आएगा माइनस फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो आपने लेफ्ट हैंड क्वांटिटी को देखा माइनस थ्री, ठीक है। तो फंक्शन आप लोगों का क्या रहा, कॉन्टिन्यूस रहा, अभी चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस रहा कि नहीं रहा। अब आप लोगों ने ये तो ले ली लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आप लोगों की आई है राइट हैंड लिमिट की बात, तो राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, लेफ्ट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, जैसे ही एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो एच किसको चला जाएगा, एक्स अप्रोच करेगा जीरो को एच किसको चला जाएगा जीरो को, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आ गया, एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव फंक्शन आ गया, लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एच कर दी एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच कर दी तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे अब आप लोगों का देखो, अब जीरो प्लस एच पुट कर दिया, अब हम राइट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं क्योंकि हमने एक बार जीरो नेगेटिव देखा है, एक बार हम जीरो पॉजिटिव देखेंगे, तो पॉजिटिव में आप लोगों ने क्या देखा, ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि आपने पुट कर दिया पॉजिटिव, जैसे एक्स अप्रोच करेगा जीरो का एच अप्रोच कर जाएगा प्लस जीरो को। अब यहाँ पे इस जीरो प्लस एच को यहाँ पुट करिए इस फंक्शन में इस एक्स की जगह, तो जीरो प्लस एच आएगा यहाँ पे, एक्चुअली में क्या आएगा जब प्लस आएगा तो ये फाइव एच आएगा माइनस थ्री, तो लिमिट अप्लाई की तो प्लस फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री, तो कितना आ गया जीरो। अब ये चीज हमने चेक कर दी दोनों की, मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर दोनों फंक्शन क्या करें कंसाइड करें ना। अब आपने क्या करना है, एफ एट जीरो पुट करना है, जब आप लोगों ने जीरो किया तो एफ एट जीरो माइनस थ्री ये आएगा जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव तीनों पे पॉइंट पे क्या कर दिया फंक्शन कंसाइड कर दिया। हमने क्या देखा वी सी दैट, हमने देखा वी सी दैट, हमने ये देखा कि भाई देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू एफ एट जीरो। तो हमने तीनों वैल्यूज को जब चेक किया तो तीनों की तीनों वैल्यूज क्या थी कंसाइड कर गई, इस पॉइंट पे कंसाइड कर गई, जीरो पे कंसाइड कर गई, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हम कहेंगे फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो हैंस रिजल्ट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।